एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सबको पता है कि स्टेट सीरीज में हमने 11th क्लास की दोनों बुक स्टार्ट करती हैं। कल हमने हॉर्न बुक का फर्स्ट लेसन किया था, आज हम उसका सेकंड लेसन करेंगे, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यानी कि हम मरने से नहीं डरते जब तक हम सारे साथ हैं। लिखी किसके द्वारा गई है? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसमें क्या है कि ये एक एडवेंचर स्टोरी, इसमें एक कपल के द्वारा जो कि एडवेंचर लवर हैं उनकी कहानी दिखाई गई है। तो फिर आइए हम अपने लेसन की स्टोरी स्टार्ट करते हैं हिंदी में। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये एक एडवेंचर यानी साहस भरी कहानी है। इसमें राइटर है जो उसकी एज दिखाई गई है, वो 37 दिखाई गई है, जो कि एक व्यापारी है। तो वो कहते हैं कि वह और उसकी जो वाइफ है दोनों ही एडवेंचर लवर हैं। ये तो इस जो कपल ने क्या सोचा है कि जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक द्वारा विश्व के गिर्द जो यात्रा की गई थी उसको दोहराने का निर्णय लेते हैं, और उन्होंने सागर में यात्रा करने का जो एक्सपीरियंस था उसको प्राप्त करने के लिए 16 साल बिताए। यानी 16 साल से ये सी ट्रैवल के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस ले रहे थे। फिर एक दिन पूरा परिवार एक लंबी और जो कि भाई कठिन है समुद्र यात्रा पर चल दिया। जो राइटर है उसकी पत्नी है मैरी, उसके अलावा उनके दो बच्चे हैं, एक 6 साल का बेटा है जोनाथन और एक 7 साल की बेटी है सुजैन। इन दोनों ने भी यात्रा में इसमें जो ये ट्रैवल थी इसमें भाग लिया है। उन्होंने अपने जो जहाज़ है उनका जो शिप है उसका जो नाम बोट है उस बोट का नाम क्या रखा है? वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी और 30 टन एक लकड़ी की सुंदर बनी हुई जहाज़ थी। उन्होंने इसमें आवश्यक वस्तुएं जो फिट करने यानी कि जब ख़राब मौसम में जाँचने के में जो महीनों लगाए थे, यानी उन्होंने सब अपनी पहले तैयारियां की थी। तो फिर उन्होंने मतलब 105,000 किलोमीटर की जो ट्रैवल थी उसको उस जर्नी को इन्होंने प्लीजेंटली यानी कि हैप्पीली कर लिया था, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आई इतनी यात्रा करने में। और जो इस यात्रा का जो फर्स्ट स्टेज थी मतलब ये जो था ये बहुत ही शांतिपूर्ण हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ अपना रुख किया और उन्होंने सहायक के तौर पर 2 हेल्पर लिए। फिर उन्होंने ठीक है 2 हेल्पर लेते हैं वो, जो नाम है उनके एक तो अमेरिकन लैरी विजिल था ये, और दूसरा था स्विस हार्ब सेगलर। ठीक है, तो ये 2 बंदों को अपने साथ हेल्पर के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे मतलब उनके कैप्टन के बाहर दूसरे दिन उन्हें तेज़ हवा का सामना करना पड़ता है, यानी जो हवा है वो तेज़ हो गई है और जो लेखक हैं तेज़ हवाओं की चिंता होने लगी है उसे कि भई हवाएं तेज़ हो गई हैं, मगर वह जो वेव्स हैं जो लहरें हैं उनके आकार से चिंतित था, जो 15 मीटर तक ऊंची थी। मतलब जो लहरें थी वो 15 मीटर्स तक ऊंची जा रही थी। 23 दिसंबर को जब वे केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे, तो उस टाइम पे ये 25 दिसंबर हो, और जो नए साल के दिन भी मौसम वैसा ही था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जब 2 जनवरी को जो वेव्स हैं वो और भी बढ़ गई, मतलब बहुत बढ़ गई, और करीबन 6 बजे यानी कि लगभग शाम के 6 बजे तक आकाश काला हो गया। अब लेखक ने दूरी पर एक बड़ा बादल देखा तो उसने भय महसूस किया कि भाई ये बादल है, लेकिन वास्तव में क्या था? वो बादल नहीं था, वो वास्तव में एक बहुत बड़ी वेव थी, लहर थी वो वास्तव में, एक जिसे लेसन में कहा गया है गिगनेटिक वेव, यानी कि एक बहुत बड़ी
वेव थी जो उनकी तरफ आ रही थी, और तब एक बड़े विस्फोट के साथ डेक हिल गया, यानी कि जो वो वेव थी वो उनकी उस जहाज़ के ऊपर ही आकर गिर गई, और पानी की एक जो तेज़ धार जहाज़ के ऊपर आ गई, क्योंकि जो वेव थी वो सारी उसके ऊपर आ गई, और लेखक का सिर चक्र से टकराया, यानी जो वो व्हील चला रहा था उससे जो लेखक का सिर है वो टकरा जाता है, और वह जहाज़ पर से गिर गया और स्वयं को डूबता हुआ महसूस करने लगा। फिर जो लेखक है उसने सोचा कि वह मरने वाला है, तो जो उसका सिर है वो पानी से, मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे डूबते डूबते सिर पानी से बाहर निकलाता है, तो उसने देखा कि जो जहाज़ है वो लगभग डूबने वाला है। भैया जहाज डूबने वाला है तो फिर सोचेंगे भाई सारे ही मरने वाले हैं, लेकिन क्या होता है तभी एक लहर दूसरी तरफ से आती है। अब एक लहर आई तो उसका पानी का बहाव, लहर में इतना पानी था कि जो जहाज है वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई, यानी कि एक तरफ से बिल्कुल डूबने की हो गई, एक तरफ से ऊपर उठ गई। लेकिन क्या होता है तभी उसके अपोजिट साइड से लहर आती है और उस जहाज को सीधा कर देती है, और उनका जो जहाज है वो सीधा हो जाता है। तो फिर उससे उनको थोड़ी बहुत उम्मीद जग जाती है कि भाई चलो जहाज तो सीधा हुआ। अब क्या होता है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे तैरता हुआ ढूंढता हुआ जहाज के पास चला जाता है, और जो लहरों से उसने, मतलब जो वेव्स थे उनसे डेक पर एक गुड़िया की तरफ पटका, लहरें थी उसने उसको उस मतलब जो लेखक है उसको उठाया और एक तरफ पटक दिया। अब क्या था जो उसकी लेफ्ट रिब्स थी वो क्रैक्ड हो गई, यानी कि टूट गई, मतलब जो उसकी बाईं पसलियाँ थी वो क्रैक हो गई। अब उसका जो मुंह था वो पूरा खून से भर गया, उसके दांत थे वो टूट गए, जहाज में भी सभी जगह पानी था क्योंकि इतनी मतलब किनेटिक इतनी बड़ी जो वेव थी वो सारी जहाज के अंदर ही आ पड़ी थी, तो जहाज में सभी पानी भर गया था। अब उसने महसूस किया कि जहाज के निचले भाग में पानी था, मगर वह जांचने के लिए जहाज के जो चक्कर है उसको छोड़ नहीं सकता था, यानी कि जिससे वो जहाज को कंट्रोल कर रहा था, तो अब वो उसको छोड़ नहीं सकता था। लेकिन फिर अचानक क्या होता है जो मैरी है जो उसकी वाइफ है वो आई और उसने कहा कि जहाज डूब रहा है, जहाज में बहुत सारा पानी भर गया है और वह डूबने वाला है। तो इस पर जो लेखक है वो क्या कहते हैं कि तुम यहाँ आओ और आकर इस चक्कर को संभालो, और फिर वह नीचे चला जाता है, और फिर नीचे जाके वो क्या देखता है जो लैरी और हर्ब हैं वो मतलब अंधाधुंध पानी निकाले जा रहे हैं, पंपिंग करके पानी निकाले जा रहे हैं। फिर बच्चों के कैबिन में गया, उसने देखा कि जो सू है उसकी आंखों के ऊपर मतलब चोट का निशान है, यानी कि उसका सिर है जो वो भाई तूफान था इतनी तेज़ पानी की लहरें थी उनसे टकरा गया तो उसको चोट लग गई थी। लेकिन उसके पास अभी इतना टाइम नहीं था कि वो चोट वगैरह को देखे। फिर पानी मतलब तूफान द्वारा बनाए गए जो छेद हो गए थे ना उसमें पानी और तूफान के द्वारा, अब जो जहाज़ थी वो लकड़ी की थी तो उसमें छेद हो गए थे, और उन छेदों के जरिए पानी अंदर आ रहा था। फिर वह छेदों के ऊपर मतलब क्या करता है भाई वाटरप्रूफ कवर लगाने की कोशिश करता है कि भाई मैं इनके ऊपर वाटरप्रूफ कवर लगा देता हूँ जिससे पानी रुक जाए। तो लेकिन छिद्रों जो जो छेद थे जो छिद्र थे उनसे पानी आना काफ़ी हद तक कम भी हो गया था उसके लिए, और मुसीबत आने वाली थी। पंप अब पंपिंग करना बंद कर देते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो सामान था जहाज़ में वो चारों तरफ बिखर गया। अब वो पंपिंग कर रहे हैं तो वो सामान उस पंप के आगे मतलब रुकावट बना हुआ था, और जो बिजली वाले पंप थे उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। फिर उसने देखा कि उसने दो स्पेयर पंप अलग से रखे थे, फिर वो उनको लेके आता है और वो देखता है कि चलो भाई वो काम कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि ये पंप काम कर रहे हैं, तो वो उनसे काम करके उस जो सिचुएशन थी उस पर थोड़ा बहुत काबू पा लेते हैं। फिर जब अगले दिन क्या होता है पानी का जो अधिकतर स्तर था वो काबू में तो आ गया था, मगर कहीं पर एक
बड़ा लीक था, यानी कि कहीं भी लीकेज रह गई थी, जिससे कि जहाज़ में पानी कंटिन्यू धीरे धीरे आ रहा था। जहाज़ के जो नीचे का भाग है, वो एक बड़ा हिस्सा है, वो टूट भी गया है। अब जो राइटर हैं उन्होंने महसूस किया कि इस हालत में जहाज़ ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुंच पाएगा, और जो वेव्स हैं उनमें कमी तो नहीं आई, और उनके जो उन द्वीप तक पहुंचने की जो संभावना थी वो मतलब कम हो गई, कि भैया जो हमारी जहाज़ है वो टूट गई, वो इस कंडीशन में तो है नहीं जो हमें हमारे टारगेट तक यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा दे, ये टूट भी गई है। फिर जब 4 जनवरी को उन्होंने जहाज़ में घुसे हुए पानी को कुछ सेंटीमीटर तक पहुंचा दिया, यानी कि उसको वो कम कर देते हैं, अब उन्हें केवल अभी भी अंदर आते पानी पर नियंत्रण करना था, यानी जहाज़ से जो पानी अंदर आ रहा था किसी तरह से उसको कंट्रोल करना था उन्होंने। और उन्होंने 2 दिनों से अब मतलब कुछ खाया भी नहीं था, तो फिर वो क्या करते हैं कि कुछ उनको वहाँ थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल जाता है तो उसको वो खा लेते हैं। वो उन्होंने 2 दिन बाद भोजन खाया था, जैसा भी जो कुछ मैरी ने रखा था उसमें, तो उन्होंने जैसा भी थोड़ा बहुत मिला उसको खा लिया। दिखाया गया है कि इसमें कहीं क्या क्या खाया फिर उन्होंने। तो क्या था, इन्होंने क्या मिला वहाँ खाने के लिए, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, वो इनको खाने के लिए मिलते हैं और ये इसको खा लेते हैं, और ये 2 दिन में पहली बार इन्हें यहाँ पर भोजन मिलता है। मगर जो उनकी बुरी किस्मत थी वो अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। दोपहर के बाद जब उनके पीछे काले बादल फिर से बनना शुरू हो गए, तो 5 जनवरी को सूर्योदय तक जो हालात थे वो एक बार फिर बहुत खराब हो गए थे। अब जो राइटर हैं वो बच्चों को मतलब सांत्वना देने गए हैं, उन्हें उनसे बातें करने के लिए गए हैं। फिर जॉन ने पूछा कि क्या वह मर जाएगा, तो इस पर जो उसके फादर हैं वो कुछ कह भी नहीं पाए कि भई अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ वो मर जाएगा तो भाई बच्चे हैं और भी ज़्यादा डर जाएंगे। लेकिन उस पर जो उसका भाई था दूसरा, फिर वो कहता है कि नहीं, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता, हम नहीं मरेंगे। तो ये सारे क्या करते हैं, फिर वो दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको जो अपना अंत है ना वो निकट महसूस हो रहा है, उनको मौत करीब हो रही है, कि अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे वो अपना बचाव कर सके। लेकिन फिर क्या होता है कि जब 6 जनवरी की जब सुबह होती है तो हवा की रफ्तार है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब वो सोचते हैं, फिर वो देखते हैं कि मेरा कंपास वगैरह कहाँ है, अगर भाई मैं जांच कर लूँ तो। लेकिन जो उनका जो कंपास था वो भी खो गया था, और वह एक स्पेयर मतलब यंत्र के प्रयोग कर रहा था जो कि भरोसेमंद भी नहीं था, कि भाई किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पे जाना है। तो लगभग 2 बजे उसने लैरी को बताया कि वह 185 डिग्री की तरफ जहाज़ को ले जाएं। उसने कहा कि अगर वे किस्मत वाले होंगे तो लगभग 5 बजे वे एक द्वीप पर पहुंच जाएंगे। द्वीप का नाम भी दिखाया गया था इसमें, भी वहां पहुंच जाएंगे। तब वह भारी मन से नीचे आ गया। यह हैरानी की बात थी कि उसे नींद आ गई, और भैया वो 1 घंटे के लिए सो जाता है, तो 6 बजे उठा तो उसने देखा कि अंधेरा हो रहा है। अब उसने सोचा कि भाई तू तो सो गया और जो द्वीप है वो तो निकल गया होगा, क्योंकि एक तो अंधेरा था ऊपर से सो गया तो तुझे कैसे पता चलेगा। मगर थोड़ी देर बाद जो उसका बेटा है जोनाथन वो उसके पास आता है, और वो उसको हग करने के लिए कहता है कि आप है ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हो, और सबसे बेस्ट आप कैप्टन भी हो। तो फिर अब उसके पापा सोचते हैं भाई ऐसा क्या हो गया, भाई ऐसा करे। दोनों देखते हैं तो पीछे वो दूसरा भी जो उसकी बहन है वो भी खड़ी है, और उसे उसके कानों पर मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा। जब वो बताते हैं कि हम लोग द्वीप पर पहुंच गए हैं तो उसे विश्वास नहीं हो रहा, वो भागता है और भागकर डेक की तरफ जाता है, और कुछ ही दूरी पर उसने द्वीप दिखाई देता है, जिससे वो खुश होता है और कुछ जीने की उम्मीद उसकी बरकरार हो जाती है। अब रात के लिए उन्होंने जो वहाँ तट था उसके तट से दूर थोड़ा लंगर लगाया, और अगले सुबह जो द्वीप के जो 28 वहाँ पे जो लोग रहते थे
उन्होंने उनकी सहायता की, उनका स्वागत किया और जो इस प्रकार है राइटर और उसके परिवार की जान बच गई। उसने जो लैरी और हर्बी थे उनका उन्होंने भी मतलब भाई याद आता है कि उन्होंने जो संकट के समय में भी कैसे वो लोग खुश रहे, उन्होंने भी हेल्प की। और उसकी पत्नी जो मैरी थी जो उस स्टेयरिंग को उस पहिए को मतलब चला रही थी, मुस्तैद कर रही थी भी कितने टाइम उसने उसको चलाया। और अपने बच्चों की तरफ भी वो मतलब बच्चों को भी धन्यवाद देता है और उनकी तरफ देखता है कि भाई बच्चों ने भी मतलब कितना साहस भरा काम किया है कि जैसे कि उसकी बहन को चोट लगी थी तो भी वो अपनी चोट न दिखा के भी मतलब ये अपना दर्द का बार बार ये नहीं करके कि मुझे दर्द हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है, अपने मतलब पेरेंट्स को परेशान नहीं करती है। और जो उसका भाई है वो भी साथ देता है कि हम सब साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। हालांकि जब जो उसकी बहन है वो तो कहते हैं उसके सिक्स जो स्मॉल ऑपरेशन होते हैं क्योंकि जो ब्लड क्लोटिंग होगी थी उस खून के जो थक्के जम जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए उसके स्कल्प के 6 ऑपरेशन होते हैं, लेकिन वो सभी सेफ हैं, सभी बच जाते हैं। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर की कहानी। वीडियो को पूरा देखें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।